महिंद्रा थार रॉक्स फाइव डोर के में क्या स्पेशल है भाई? महिंद्रा थार रॉक्स पांच डोर मॉडल हाल ही में लॉन्च हुआ है। अच्छा? और यहाँ कई नए फीचर्स और अपडेट्स के साथ आता जैसे? है। जैसे भाई एआई बता रहा है। इसकी शुरुआती कीमत 12.99 लाख रुपए एक्स शोरूम। महिंद्रा थार रॉक्स कितना प्रैक्टिकल गाड़ी है तो जनरेट किया जा रहा है भाई एआई है। महिंद्रा थार विभिन्न वेरिएंट्स में उपलब्ध है। अच्छा। जो विभिन्न बजट और आवश्यकताओं के अनुसार डिजाइन किए गए हैं। अच्छा, महिंद्रा थार रॉक्स और एक्सयूवी 700 में कौन सी अच्छी गाड़ी है? महिंद्रा थार और एक्सयूवी 700 दोनों ही बेहतरीन गाड़ियां हैं, लेकिन उनकी विशेषताएं और उपयोग अलग अलग हैं। अच्छा, जैसे महिंद्रा थार ऑफ रोडिंग के लिए डिजाइन की गई है। लो में तो भाई ये होगा भाई, आप गिर जाएंगे। टू एच हुआ लास्ट में, 2H है, 4H है, न्यूट्रल किया। ओ भाई गाइस यू आर जीनियस। ओ चक्का कवर देखा है? शीशा खोल दीजिए तभी पता चल। झूल लगा है पूरा गाड़ी, झूल लगा है, रोलर कोस्टर है। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड एक्चुअली, यू नो, जब भी ऐसे जगह पे जाते हैं ना जहाँ पे मस्ती है स्नो पे, वैसे जगह पे दिखना चाहिए, यू नो, देख रहे हैं है ना। मजा आ गया, वो लो पे है, सो वहां से जाके टर्न आते हैं। ये देखिए भाई साहब सनरूफ से इसका ये 19 इंच के टायर है भाई। सो गाइस फाइनली ये गाड़ी तो अपनी आ गई है जो अपन ड्राइव करेंगे। 19 इंच वाला है, टॉप मॉडल थार रॉक्स, लुक एट दिस। चलिए 4x4 देखा जाए, चलेंगे थोड़ा सा अरे हरमन गार्डन का स्पीकर। ओह माय गॉड, अभी मैं बैठ करके दिखाता हूँ। आगे का भी ऑलमोस्ट 80 डिग्री तक ये खुलता है आगे का भी। उसके बाद अपन बैठते हैं, दिस इज वेरी गुड है ना, इधर का हाइट। अच्छा वो पकड़ के चढ़ने के लिए एक तो यहाँ से आप ऐसे चढ़ के आई। ओ भाई कीचड़ वीचड़ होता तो मतलब है ना, शॉर्ट हाइटेड में भी बहुत अच्छा सीटिंग है। हाँ बहुत मस्त है, अब सीट बेल्ट लगा। सो गाइज फाइनली यहाँ पे अभी हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, लैग तो नहीं है, लैग नहीं है, लैग नहीं है, वेरी गुड कैमरा। ये बहुत यूजफुल आता है पता है, मतलब वो वाला 360 जो कैमरा रहता है वो उससे ज्यादा ये वाला यूजफुल रहता है, क्योंकि ये स्ट्रेट पीछे का। हाँ ये वाला स्ट्रेट जब भी लेफ्ट करते हैं ना अपन। अच्छा यहाँ पे भी नेविगेशन का दिख रहा है ड्यूअल स्क्रीन, मतलब है ना स्क्रीन। हाँ ये दबा करके रखते हैं है ना, जैसे 700 में होता है। अब जैसे लेफ्ट देते हैं तो यहाँ पे ये वाला कैमरा बहुत काम का चीज है, दिस इज गुड। ये पूरा मतलब सिस्टम वैसे ही है, कैमरा का इसके अंदर दिया है ना डायरेक्ट एक्सेस। हाँ ये कैमरा का क्लैरिटी बड़ा मस्त है। हाँ तो एकदम डर लग रहा है क्या वैसे पकड़ के उठे में? चलिए अब लगेगा डर। लुक एट दिस भाई साहब, लॉन्च और ब्रेकिंग। हाँ ये कितना पावर है वैसे? 2 लीटर। अच्छा वो ब्रेक डीजल का, डीजल का कौन सा अभी जो बैगन? 380 न्यूटन का टॉर्क है। और ये अभी जो ड्राइव मोड है ये कौन सा ड्राइव मोड चल रहा है? मोस्टली आई थिंक यहाँ पे ये सभी है, ये नेविगेशन एडवेंचर स्टार्ट, ये एडवेंचर स्टार्ट। ओ भाई साहब लुक एट दिस, यहाँ पे अभी मैं स्पीड दूंगा ना गर्दा दिखेगा ये। हाँ भाई पिकअप तो है, पिकअप है, डीजल तो इसका 2.2 है ना, सेम इंजन है जो स्कॉर्पियो एन में है। चलते ये तो सीधा रोड बना हुआ। वाह भाई ये भी टेस्ट ड्राइव पार्टी। आगे से यू-टर्न, अभी एक बार यहाँ से यू टर्न लेंगे, ये वाला रास्ता जाएंगे ना। आई थिंक ये रोड बन गया है अब। हाँ फिर भी चढ़ाई है थोड़ा, पहले कच्ची था जिस
थार थ्री डोर का भी हमने टेस्ट किया था, शायद स्कॉर्पियो एक्सप्लोर का भी हमने टेस्ट किया था, लेकिन ड्राइविंग का जो एंगल है ना, इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग है तो इसके कारण तो मक्खन हो जाता है, एक उंगली से चला सकते हैं। और यहाँ पे चढ़ाई पे मस्त चढ़ाएंगे, एक काम करते हैं तरफ लो दिया जाए, हाँ हाँ खींच करके है ना, ये 4H है, इस पे भी हो जाएगा इतना पे, चलिए जी। और ऑटो हील्ड है, ये देखिए भाई साहब, देख रहे हैं पावर पावर, देखिए क्या वो झूलाता है, सी दिस इज रिक्वायर्ड एक्चुअली मड वगैरह के लिए, हाँ जहाँ गाड़ी फंस सकती है, स्नो हो गया, स्नो के ऊपर आगे है ना रास्ता वैसा, हाँ आगे, हाँ खोलिए आवाज जगह सुना जाए, देखते हैं आवाज कैसा आता है भाई। लो पे दे एक बार, लो पे एक बार, लो पे दीजिए, मजा आया है कि नहीं, यू नो सिर्फ ऑफ रोडिंग नहीं लग्जरी भी है, सो दिस इज ग्रेट। चलिए अब चला जाए, अभी अभी मैं जरा हाई में कर देता हूँ, उसके बाद ये करके लो कर दिया, ठीक है फिर से ड्राइव कर दिया, अब इसके बाद चलते हैं, अब शीशा इसे लगा देते हैं, म्यूजिक सिस्टम एक बार जरा सा आवाज कुछ बजेगा, सनरूफ, सनरूफ एक बार, बहुत ह्यूज सनरूफ तो ह्यूज है भाई, वो पॉलिटिशियन है मैं समझ जाता हूँ वो क्या देख रहा है, मैंने बोला सर आप भी खड़े होंगे, आपका दो बॉडी गार्ड भी खड़ा होगा, चिंता मत करिए। म्यूजिक सिस्टम लगा लिए एक बार जैसा, अलेक्सा अच्छा अलेक्सा अपडेट नहीं है अभी, फोर हाई में है ना, फोर हाई में है अभी, टू स्क्रीन पे दिखेगा, हाँ फोर दिख रहा है, फोर इंग्लिश है, इधर कंपास भी बता रहा है, अल्टीमीटर बता रहा है, कितने हाइट पे आप ड्राइव कर रहे हैं वो बता रहा है, इंजन का परफॉर्मेंस के साथ साथ ये सब चीज़ें ना आजकल आईओटी फीचर्स ऐड किया है, तो रेडियो अच्छा चालू जी जी, और उसके बाद धीरे धीरे फिर आपकी पहचान बनती चली गई, साउंड क्वालिटी भी अच्छा है, ओ भाई साहब लुक एट दिस, ये भैया आप ओ भाई क्या जबरदस्त तगड़ा, ये देखा आपने कैसे कितना कम स्पेस पे टर्न हो गया, दिस इज समथिंग टाइट प्लेसेस पे ना निकालने में थोड़ा सा, वो मैंने एक्सपीरियंस किया था वहाँ पे जो साइड पे, अब पावर देते हैं थोड़ा, 4H में चल रहे हैं, और एडास खाली 4H पोलो में काम नहीं करेगा है ना, वो ऑटो मोड में ही चलेगा, क्योंकि एडास कभी भी स्पोर्ट मोड में भी इवन विन पैक चलाते हैं तो वो नहीं काम करता है, साउंड क्वालिटी भी अच्छा है नो डाउट, साउंड क्वालिटी बड़ी अच्छी, अब ऑटो को अब इसके बाद जगह चला जाए, कंफर्ट अब चेक होगा, चलिए ये जो सीट दिया ना कंट्रोल वो साइड में इधर देखिए, एडास एंड एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, ऑल इन वन पैकेज, एक तरह से ऐसा बोला जाए ना कि एक ही गाड़ी अगर लेने का प्लान है यहाँ, ऑल इन वन कार के हिसाब से देखा जाए ना तो है ना, आपको कैसा लगता है? मेरे को बस वही लगा कि हाँ। आपको जो लग्जरी चाहिए, ऑफ रोडिंग चाहिए, ये हुंडई इसके आगे ना ब्लैक वाले कार के आगे, यस यस फॉरगेट, फाइनली हो गया हमारा थार का एक्सपीरियंस डन, बस यहीं पे, यहीं पे रहने दूँ, ओवरऑल इट इज़ गुड एक्सपीरियंस है ना, बहुत अच्छा रहा, और पार्किंग मोड में कर दिया, और उसके बाद गाड़ी को चाबी इस तरफ दिया है, और ये 19 इंच वाला है, टॉप मॉडल है, फुल सनरूफ का देख पा रहे हैं, खतरनाक साइज है भाई, awesome. वो बाहर निकलेगी या अंदर ही गएगी, क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा है पब्लिक भाई मीटिंग के लिए ना, हाँ बाहर भी है ना, टेस्ट ड्राइव है ना, ओ भाई साहब लुक एट दिस,
एल मिलेगा, 4x4 नहीं मिलेगा? 4x4 नहीं है सर। अच्छा एल 4x4 ऑटोमेटिक में ना? ऑटोमेटिक। वाह, ये बड़ी है लेकिन, है ना, थ्री डोर वाले से बड़ी है ये काफी। हाँ आइए देखिए, हो सकता है अभी XUV700 पे आपका दिल आया है तो मतलब आपने बुकिंग कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी देखिए हो सकता है आपका मूड चेंज हो जाए, अभी डिलीवरी हुई नहीं है। बट मेरा एक्सपीरियंस तो है कि 700 के बराबर का कोई गाड़ी नहीं है, 2B20 है कि नहीं, लॉन्ग इसमें लॉन्ग ड्राइव के हिसाब से। इसका लेंथ भी बढ़ा हुआ दिख रहा है, चक्का बढ़ा के रखा है। हाँ और इसमें जो है एक 5 वेरिएंट में जो है आपको 18 इंचेस के अलावा दे, अच्छा टॉप एंड वेरिएंट जो है A7L, हाँ उसमें आपको 19 इंचेस के अलावा, 19 इंच के 700 में 19 इंच है ना, 700 में 18 इंचेस डिफॉल्ट में, लग्जरी में 19 इंच, लग्जरी में बाय डिफॉल्ट 18 ही है, तो उससे ऊंचे होगी फिर ये, है ना। हाँ अफोर्डिंग के लिए तो मस्त है। हाँ आपको एलईडी दिया है ना, विंग अंदर का जो विंग है उसके ऊपर लाइटिंग नहीं है, एक रेड कलर का जैसे लाइटिंग लोग लगा देते ना पीला येलो कलर का, वो बाद में लगाया जा सकता है आफ्टर मार्केट। लेकिन ब्लैक में मस्त लगा, ऊपर का हार्ड टॉप किया है ना पहले कपड़े का था, हाँ हार्ड टॉप किया इस बार, हार्ड टॉप के लिए अच्छा स्टील ही है, स्टील है ना अस्टल 100% स्टील है। वाह ब्लैक ज़्यादा अच्छा लगा है, बूट स्पेस भी आपको अच्छा मिलता है, बूट स्पेस तो भाई साहब ओह माय गॉड, इसके अंदर मुझे लगा है ब्रीफ केस, क्या 6 ब्रीफ केस आ जाएंगे, 6 ब्रीफ केस आ जाएंगे। और रिवर्स के अंदर यहाँ पे स्पेयर व्हील के अंदर दिया है, हाँ ये बड़ी प्रॉब्लम थी थार के अंदर, पता है काफी लोगों ने डैश कैम वगैरह लगाते हैं ना तो वहाँ लगाते हैं तो ये चक्का से विजिबिलिटी डाउन हो जाता है, तो यही यहाँ पे दिया है ना, दिस इज बेस्ट लोकेशन 360 का, भाई साहब वाओ। इसमें अभी आपको कैसा रियर वाइपर भी दिया है कंपनी ने, पहले वाले में पहले में नहीं था, पहले वाले में था नहीं, था ही नहीं इसमें, बिल्कुल नहीं था, आपको ये रियर वाइपर दिया है, अच्छा मैंडेटरी का दिया है, सेकंड वेव से ही वो कॉमन हो गया, सारे वेरियंट में आएंगे, 6 एयर बैग्स दिया है, मतलब साइड कर्टन में भी एयर बैग आएगा और हाँ फ्रंट 2 एयर बैग्स आएंगे, और थाई में थाई के अंदर जो रहता है वहाँ पे थाई पे नहीं देता, थाई पे नहीं 700, अच्छा अच्छा। और ये वाला ओ खोलने का यहाँ से दिया है, वाह एक बार बैठ के देखा जाए, ये 90 डिग्री फुल 90 डिग्री खोलते हैं, ये बहुत अच्छा है क्योंकि अदरवाइज इतना खुलता है ना कोई भी गाड़ी मोस्टली, तो उसमें घुसने के लिए बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, हाँ इसलिए ये दे दिया है, इस बेटर है। और बैक साइड देखा जाए भाई साहब, मैं 5-8 का ग्राउंड के लिए, ये भी बड़ा मस्त है, लेगरूम लेगरूम बहुत सही है ना, अच्छा ये पीछे है उसके बाद ये हाल है, हाँ 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 नॉर्मली इतना पे रखते हैं, नॉर्मली इतना पे रखते हैं, ओ भाई साहब सच में, हाँ ये तो ऑफ रोडिंग लाइक है, ये सीट जो है रिक्लाइन डिक्लाइन आएगा कोई, अच्छा 60-40 ये 60-40 60-40 में है, अच्छा कितना, 5 स्टेप ये वाला होता है, 5 स्टेप डाउन होता होगा, और यहाँ पे जो आपको अमरस भी दिया है, ये भी इसके अंदर कप होल्डर भी दिया है, सच में कम्फर्ट बढ़ा दिया है, बहुत कंफर्ट बढ़ाया है, अब नहीं लग रहा है कि जैसे थार में बैठे हैं, पहले वाले में थोड़ा हार्ड फील आते थे, कंफर्ट बहुत अच्छा किया है, ये एक्चुअल प्रीमियमनेस अभी आपको इसमें फील होता है, हाँ खाली ये चीज़ है ये गंदा होगा है कि नहीं, वाइट है तो मेंटेन करना पड़ेगा, अब लग्जरी है तो मेंटेन तो करना ही पड़ेगा। सनरूफ इसमें बड़ा दिखाया था, लेकिन सनरूफ जो आपको A7L में मिलेगा सर, पैनोरामिक सनरूफ, अच्छा X5L है ये वाला, अच्छा वो पहना वो आएगा, अदरवाइज ये हाफ आता है। वेट और इजी टू, ज़्यादा वेट नहीं है, खोलने के हिसाब से सही है,
एंड ये है तो मजबूत, एक्चुअली हुक पे ही रहता है बट ये है मजबूत। एंड यहाँ पे भी लाइट्स दिया है, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। यहाँ पे तो सारे में है, बैक साइड में दिया है लाइट। ओह यहाँ पे ये वाला लाइट मिसिंग है 700 में, इसको फिल कर दिया, दिस इज गुड। 9 स्पीकर सिस्टम बताया, तो यहाँ पे बड़ा वाला बूफर दिया हुआ है भाई, लोग मस्त है। और अरे पहला वाला जो था ना, प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं लगता था, यहाँ पे देख रहा हूँ कि है, यहाँ पे है, ये वाला है, अंदर से प्रॉपर दिया है। और इसका जो डिफॉगर के कनेक्टिविटी है, एक्चुअली डिफॉगर लाइन से आते हैं ना, इसके अंदर बिजली जाती है, डीसी करंट, तो ये अंदर से कहीं से कनेक्ट है, दिख नहीं पा रहा है, विच इज़ वेरी गुड। बैक साइड से भी एक्सेसिबल है। अच्छा भाई, 5 लोग बैठ सकते हैं खूब आराम से, सामान वगैरह भी बैठे बैठे निकाल सकते हैं, तो विच इज वेरी प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल। सीट थोड़ा सा वाइड कम दिख रहा है, ये वाला पीछे रहेंगे इसको, थोड़ा सा सीट कम वाइड दिख रहा है ना, चौड़ाई कम किया है, थोड़ा नहीं है मतलब, हाँ बॉक्स ही नहीं है, बॉक्स ही नहीं, बट था के मुकाबले तो बहुत पिछले से बहुत ज्यादा, हाँ बहुत बेहतर, पीछे का बैठने का होता ही नहीं था। राइट और घुसने में भी तो दिक्कत आती थी ना, बैठने के बाद एक अलग ही कमर्शियल लगती थी, हाँ सपोज़ किसी को किडनैप करके लेके फील आती थी, फैमिली के लिए तो थे नहीं, फैमिली के लिए नहीं था वो, सिर्फ बैचलर और मतलब थोड़ा सा टसन मारने के लिए, टसन मारने के लिए किसी को पकड़ के लेके जाना है कुछ के लिए। बहुत अच्छी गाड़ी बनाया है, एडास वगैरह भी दिया है, ये भी कंफर्टेबल दिया, हाँ काफ़ी कंफर्टेबल दिया है, हाँ देखिए ना कंफर्ट बहुत सही है, फिनिशिंग बहुत सही है, हाँ टच बहुत अच्छा है, सॉफ्ट टच भी किया है इन्होंने, और गेट बहुत बजनी है, अभी किसी ने गेट बंद किया ना तो बहुत तेज आवाज आई, मतलब ताकत है टाटा के जैसे, एग्जैक्टली सही बात आपने बोल दी। और ग्राउंड ये जो है देखिए गैप बहुत सही है, अभी ड्राइविंग से थोड़ा सा पीछे ही है सीट, फिर भी बहुत अच्छा लेग रूम है, हाँ वेरी मच कंफर्टेबल। अब दोनों फोल्ड हो जाएंगे उसके बाद आई थिंक आदमी सोने का जगह बचेगा, वो तो देखने का चीज़ है, ये हाँ से नहीं, ये चाइल्ड का है, आइसोफिक्स का है, वो साइड में रहेगा आपके उस लेफ्ट साइड में नीचे रहेगा, जैसे ये वाला 60-40 है तो इसको, ओ भाई हाँ फाइव पोजिशंस पे है, तो फुल हो गया, ये फुल हो गया, लद गया, अब यहाँ पे आया, 1, 2, 3, 4 या 5 ही रही, हाँ बट बहुत है, बहुत कंफर्टेबल है, देखा जाए तो हेडरूम भी मतलब, हाँ बहुत अच्छा है, हाँ हेडरूम भी बहुत अच्छा है एकदम, देखिए ना आपकी लंबाई तो सबसे स्टैंडर्ड से ज़्यादा, हाँ हाँ उसके बाद भी, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, टोपी लगा के बैठे तो टोपी नहीं लगेगा ना, गुड। और आगे बात बैठ कर देखते हैं, यहाँ पे एसी वेंट वगैरह भी दे दिया है भाई, और फोन चार्जर एंड फोन कीपर ये सब दे दिया है यहाँ पे, ये अरे अच्छा ये दो पार्टीशन सिर्फ दिखाया है, एक्चुअली दिस इज सेपरेट ओनली, इसके अंदर चिल्ड दिया है क्या ये, हालांकि X5 है, देखेंगे इसका XL वाले में क्या है, वॉच होल्डने और रखने के लिए ये भी मस्त दे दिया है, 18 है ये, 18 इंच है, 19 इंच का तो बड़ा आएगा ना, लेकिन वो है कि ज़्यादा मोटा टायर हुआ तो थोड़ा मेंटेनेंस भी ज़्यादा जाएगा, जैसे फॉर्चुनर होता है, मतलब बहुत खतरनाक की डार्क एडिशन, ओवरऑल। और ये चीज़ आप देख पा रहे हैं, ये जो फुटस्टेप का साइज थोड़ा चौड़ा किया मुझे ऐसा लग रहा है, इसको मे बी हाँ हाँ, क्योंकि ज़्यादा नीचे करके वो अंदर से देते हैं ना, नीचे से देते हैं, हाँ तो इसके से मजबूती होगा, तो ये इन पैकेज आएगा क्या, साथ में आएगा, ये तो सेल्समैन से पूछेंगे, लंबाई भी बढ़ा है वाकई, ये गाड़ी बहुत है मुझे लग रहा है, ये सभी टायर नीचे यहाँ से खोले, अच्छा टायर तो यहाँ पे है, हाँ 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 टायर पे है,
पहले वाले में टायर के वजह से थोड़ा कैमरा जो आपके मार्केट लगाते हैं उनको दिक्कत होती थी, तो अब यहाँ पे इन बिटवीन दे दिया है, ये बहुत सही है। अच्छा, असेंबली में पार्क कर दिया बेसिकली। फोम टाइप का कपड़े टाइप का जो आता है, फाइबर का है, फाइबर का है। अरे तब तो अच्छा है। फोम वाले में क्या होता है ना, अभी मेरे साथ एक्चुअली 700 में हुआ था, ज़्यादा कीचड़ में चल गए तो फोम ना पानी में भीग के ख़राब हो जाता है, दो तीन बार हुए एक आध साल में ख़राब हो जाता है। ये नीचे फाइबर किया दिया है, ओ भाई ये अच्छा किया, ये अच्छा किया, और काफ़ी महंगा आता है। कहाँ पे इसका? अच्छा नीचे ही है क्या? अच्छा ब्लिंक, इसमें ब्लिंक दिया है, वाह। हाइड्रोलिक सिर्फ खाली एक चीज़ नहीं है, बट ठीक है, दैट इज़ फाइन, सिंगल एक ही लेग पे ये पूरा कंट्रोल हो जाता है। इसका इंजन के बारे में कुछ बता दीजिए क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, बट पेट्रोल में भी ये इसका जो है ना पावर कितना? 187 200 BHP। और टॉर्क तो आई थिंक सेम ही है ना, 370 380 के रेंज में। वाह, माइलेज तो पेट्रोल का कम रहेगा, डीजल में रहेगा तो डीजल में आपको 2.2 लीटर इंजन आएगा। हाँ हाँ, 2.2 लीटर के साथ में आपको 170 to 175 BHP हाँ विथ 380 न्यूटन में टॉर्क मिलेगा आपको डीजल में। नहीं डीजल देखिए, लॉन्ग ड्राइव के हिसाब से डीजल ही बेस्ट है टू बी फ्रैंक, और 4x4 गाड़ी पेट्रोल में कैसे है कि नहीं। बाकी बैठने में तो बहुत सही है थोड़ा। अच्छा ऑटो सीट्स नहीं दिया है क्या? अच्छा, ये तो लंबा सब ऊंचाई का टॉप एंड ये नहीं है, 1.5 है। हाँ ये सब पीछे के लिए। हाँ और ये वाला तो आपका दोनों पकड़ के ऊंचा करने के लिए बेसिकली, और आपकी पैर इतनी लंबी है फिर भी आपको मुझे लग रहा है कम्फर्टेबल टच नहीं होगा, थोड़ा सा ना क्या होगा। ये वाला टेलीस्कोपिक दिया है, टेलीस्कोपिक एंड टिल्ट, लेकिन ये तो टॉप मॉडल में रहेगा प्रॉब्ली। अरे ग्राउंड क्लियरेंस कम हो गया ऐसे कैसे? ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़ता है क्या? हाँ ये हुआ ना, अभी हुआ। बाहर निकलते हैं, बाहर नहीं निकलते, टेलीस्कोपिक नहीं दिया है। अच्छा ये IRVM आपने देखा? IRVM ये डिजिटल, आई थिंक डिजिटल दिया है, और ये थोड़ा सा काफ़ी सारे इवन स्कॉर्पियो इन और XUV700 में भी वो चीज़ें नहीं, ये और हेवी है बिल क्वालिटी अच्छा है। लाइटिंग का सनरूफ का एक्सेस कर दिया है इसके अंदर, टू लाइट्स। अब ये चश्मा रखने वाला, ये तो बाय डिफॉल्ट रहता है, हालांकि चश्मा फंस जाता है कभी कभी, चश्मा उल्टा रखे तो फंस जाता है, मेरे साथ ये हुआ है, बड़ी मुश्किल होती है। एंड हियर इट इज पार्ट, ये हिल डिसेंट है, ये वाला हिल डिसेंट है, ये वाला हिल डिसेंट है सॉरी, और ये वाला है पार्किंग, कुछ लाइट पार्किंग सेंसर इनेबल करने के लिए है, फ्रंट में पार्किंग सेंसर दिया होगा। ये लाइटिंग का है, ये हिल होल्ड कंट्रोल का है, और ये पेट्रोल का वो खोलने का, सही है 10.25 inches का सेम स्क्रीन है जो स्कॉर्पियो इन में है वाला, यहाँ पे भी दिया है। और ये जब लेना है तो सारी चीज़ तो देखेंगे ही ना ऑब्वियस। ये वाला आपने नोटिस किया, ये खिसकता भी है, आधे ये खिसक जाती है ऐसे वैसा, ये खाली एक बोतल इम्पैक्ट हो जाएगा। हाँ और ये वाला फिक्स है, अदरवाइज ये भी। बाकी को ड्राइवर सीट पे भी, पैसेंजर सीट पे भी बैठने पे इट इज लुक गुड, स्लिम आदमी के लिए इससे लेंथ की हाइट भी हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर वेट बहुत मतलब एक्चुअली देखा जाए ना तो हार फिटनेस के लिए ही तो है, उतार दिया वैसे इसने रेंगुलर को इसमें उतार दिया। सच में ये रूबिकॉन बजट में रूबिकॉन है, और है तो बस हाँ दो लोग सकते हैं इस सीट को अगर उठाए
सो सकते हैं जैसे इसे खोल दिए कैसे बारिश बारिश हो रही है तो बस हाँ। लेकिन पानी लीक हो गया इधर से थोड़ा सा तो उसका कुछ व्यवस्था आफ्टर मार्केट ऐसे करके है ना। आइए बैठ के देखें जगह दो लोग बैठ गए इसमें और तकिया भी एक रख सकते हैं मतलब जो अपना बैग रखेंगे उसको तकिया बन जाएगा। फोल्ड होता है पूरा पीछे से इसी का हवन था वो भी खतरनाक है। एवरीथिंग बहुत थाउटफुली यू नो डिसाइडेड है सच में। सिर्फ ये सारे मैट्स वगैरह नहीं देंगे आई थिंक ये अलग से एक्सेसरीज लगाना पड़ेगा। ये भी एक थोड़ा सा बाहर निकला है ना अच्छा है और फुट स्टेप आएगा सभी में। खाली यहाँ सिक्वेंशियल नहीं दिया है ये सिक्वेंशियल टॉप में सिक्वेंशियल दिया है क्या हाँ अच्छा तो टॉप वाले में सिक्वेंशियल दिया है लाइट दिया है क्यों कोई दूसरा गाड़ी लेगा फिर तो यही लेगा। आपको कलर वाइज कौन सा अच्छा लगा? सिर्फ ये ड्यूअल टोन आ जाता है ना वाइट या दूसरे में। हाँ। अभी भी 700 कितना लाइन में लगी हुई है ये सब नए गाड़ी रिलीज हुआ है। आज का कोई अच्छा दिन है आज एक्चुअली कल से सब बंद होने वाला है। ओ पितृपक्ष है ना कल से हाँ और यहाँ देखिए कितना क्राउड है। यस 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 नया डिलीवरी हो रहा है अभी भी 700 में जान है कि नहीं। हमारी गाड़ी तो 3 साल हो गई लेकिन स्टिल हियर इट इज 3 साल पुराना हो गया अपना गाड़ी देखिए। और हमने ना देखिए यहाँ पे देखेंगे तो ये लगाया हुआ है 2 कैमरा है। पहली ऐसी कार जिसमें 2 कैमरा है एक AI कैमरा है। इसमें ना खासियत क्या है अच्छी बात ये है एक तरफ मैप चल रहा है आधे में यूट्यूब चल रहा है और आवाज देखिए पूरी अच्छी गाड़ी है ये 700। मैं तो सो के लिटरली देखा हूँ क्योंकि मतलब इसमें आपने इतना वो करके रखा है रिफ्लेक्टर कर्टन लगा दिया है टेम्परेचर नहीं आता है हल्का सा सनरूफ को खोल दिया उसके बाद सनरूफ भी खोले वो बहुत टाइम हो गया मुझे सनरूफ हल्का सा मैग्नेटिक है वो पूरा मैग्नेटिक है और हाँ हल्का सा मैग्नेट है और बाप कितना दिन से खोला है मैंने आवाज आ रहा है बहुत दिन पे वायलिन लगेगा चेक करना पड़ेगा इसको। अच्छा ये एंटी पिंच आगे टच हुआ ना तो वो अपने से ये हो गया खुल गया। हाँ इससे बड़ा है इससे बड़ा है था वाला सनू भाई एज नहीं दिखता है। हाँ बराबर तो ये जो 2 इंच का बाहर निकला है ना एक्चुअली वो पूरा अंदर किया 2-4 इंच इधर का लगता है बहुत इतना बड़ा एज सही 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 बात एज दिखता है ये वाला पूरा एज दिखता है उसमें। हाँ खाली उसमें 7 सीटर भी ला देता ना तो वो भी मजा आ जाता क्या बोलते हैं हो सकता है बैठने का बना भी देना तो हो जाएगा बैठ जाएगा। ये देखिए इसका फॉरवर्ड वो आदमी गया ना उसको पकड़ लिया ये इसका बहुत खतरनाक सिस्टम है नहीं छोड़ता है। ये देखिए कैलकुलेशन चला है डास का इसका कौन कौन आगे मूवमेंट कर रहा है AI पे टोटल बहुत एकदम नहीं छोड़ रहा है वो सामने आदमी जाएगा ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा। ये मैडम आई इनको पूछो क्या यहाँ पे लोग अभी थार दिख रहे थे एंड दे आर नाउ सीइंग टुवर्ड्स XUV 700 बोले ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली सब ये पीपल आर नाउ कंफ्यूज्ड व्हाट टू चूज। सो गाइस यही फायदा है देखिए अभी मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ ना दाहिने तरफ भी लड़ने के पूरे चांसेस बाएं तरफ भी यहाँ से बिल्कुल नहीं पता चला है लेकिन डैश कैमरा में बता रहा है कि कितने पॉइंट पे गाड़ी जो है निकल लगाई है ना। कि अभी जैसे मैं XUV 700 में अपना ये वाला सिस्टम जो लगाया हूँ ना उसके पीछे का रीजन ये है कि पहली चीज तो ये बिल्कुल ज्यादा प्रैक्टिकल ये थोड़ा सा नीचे है
दैट इज ऑल्सो गुड, लेकिन मुझे ए आई फीचर्स के कारण हमने लगाए. तो सेम हाइट पे उसका डिस्प्ले है, दैट इज वेरी यू नो यूजफुल. कैमरा रेजोल्यूशन भी अच्छा है, स्क्रीन रेजोल्यूशन तो मस्त है ना. उसके बाद उसके अंदर जो आपने फीचर देखा अल्टीमीटर वगैरह है, ये ऑफ रोड के लिए बहुत यूजफुल होता है. कल को आप टेरेन पे गए है ना, किसी हाई टेरेन पे लेह लद्दाख वाले से एरिया में आप ड्राइव कर रहे हैं, तो आपको और इन्फॉर्मेशन हो जाता है कितने हाइट पे गाड़ी चल रही है. गाड़ी के अंदर भी अल्टीमीटर और अल्टीट्यूड मीटर. पेडेस्ट्रियन हेड, ये सामने बाइक वाला जा रहा है ना इसलिए पकड़ लिया. 4H पे हाईवे पे चलाइए, और ज्यादा जब हो गया एकदम कीचड़ में ही या तीन चक्का पे चलना है चलाना है गाड़ी को, तो फिर आप 4L में चलाइए है ना. अभी लेन डिपार्चर ये डैश कैम लगा रहा है. अगर मान लिया 360 कैमरा नहीं भी लगाते हैं, मान लिया नहीं आता है, टॉप मॉडल नहीं ले रहे हैं, तो उस केस में 360 लगा लिए और उसके साथ AI लगा लिए तो फिर बस हो गया, उसका कोई कॉम्प्लीमेंट ही नहीं है टू बी फ्रैंक. और अभी आपने जैसा देखा कि हमारी गाड़ी में ओके दो कैमरा हमने लगाया हुआ है साइड के मिरर में, तो दो कैमरा लगाने के पीछे का वजह यही है कि एक कैमरा तो 360 देता है हमारे गाड़ी के डिस्प्ले पे है ना, दूसरा जो कैमरा है वो भी 360 देता है यहाँ इस पे आप देख सकते हैं मिरर स्क्रीन पे. और उसके साथ साथ ये ज्यादा कवरेज भी उल्टा दिखता है आगे से पीछे तक, इनफैक्ट चक्का भी आपको दिखेगा कि कहाँ घूम रहा है ना, और आगे का बोनट कहाँ पे आगे टच होने वाला है, टच होने से पहले बता देगा. ये देखिए लेन डिपार्चर का भी बताया. तो दिस इज रिमोट मॉनिटरिंग फीचर के कारण क्लाउड कनेक्टिविटी, AI का जमाना है तो AI इसके अंदर दिया हुआ है. काफी सारी चीज जैसे आपने देखा AI को हमने बोला कि टेल समथिंग अबाउट ये, तो बता दिया है ना. सो ओवरऑल मुझे थार रॉक्स अच्छा लगा, एक नंबर बनाया है और पहले से अच्छा है. देखिए इम्प्रूवमेंट में वाइज क्या है ना कि पहले भाई ये नहीं छोड़ेगा लेन डिपार्चर. इम्प्रूवमेंट वाइज क्या है यार है ना, इम्प्रूवमेंट वाइज ओ माय गॉड ये डैश कैम नहीं छोड़ेगा यार. सनरूफ भी बहुत बड़ा, 700 से भी सनरूफ बड़ा उसका था. इट इज गुड, मतलब वर्थ इन्वेस्टिंग, वर्थ गोइंग फॉर. मुझे लगा कि हाँ इट इज समथिंग, अगर आप प्लान कर रहे हैं कि एक ही गाड़ी रहे जो सारे पर्पस को इस्तेमाल के हिसाब से, तो वो ये है, डेफिनेटली है एंड टोटली वर्थ इट. अब बात रही कॉस्टिंग की और कलर्स, ये तो अपना प्रेफरेंसेस है. कल क्या है ना, दो व्हीकल अगर आप रखते हैं तो दोनों के इंश्योरेंस मेंटेन करना पड़ेगा, और गाड़ी है तो उसको खाली रखने का चीज नहीं है, खराब हो जाएगा खास करके डीजल का. देखिए अगर आप गाड़ी को चलाते नहीं तो खराब हो जाए, गाड़ी चलाना ही पड़ेगा. तो दो गाड़ी और ये डिप्रिसिएटिंग एसेट है, तो मल्टी गाड़ी का आप जमाना गया. अब का कैसा जमाना है, एक ही गाड़ी रखिए, इसमें 5 सीटर है, एक 7 सीटर आ जाए तो और नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा. सो गाइज ये था आज का एक छोटा सा वीडियो थार रॉक्स के ऊपर, जो महिंद्रा की न्यू ऑफरिंग है और मुझे अच्छा लगा पर्सनली. फुल कम्फर्ट वैसा के हिसाब से देखेंगे तो डेफिनेटली नहीं रहेगा है ना, क्योंकि उसका चक्का भी 19 इंच का है, ग्राउंड क्लियरेंस हाई है, तो ग्राउंड क्लियरेंस जैसे ही हाई होता है कंफर्ट कंप्रोमाइज होता है ना. सो दिस इज बेसिक रूल ऑफ थंब. सो गाइस ये था एक आज का छोटा सा वीडियो थार रॉक्स के ऊपर. कैसा लगा ये वीडियो आज का, कमेंट में जरूर से अपना रिस्पॉन्स बताइए, और आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है, कौन सा यू नो इफ आपको ऐसा ऑप्शन दिया जाए कि थार रॉक्स के साथ जाएंगे या XUV700 के साथ जाएंगे या तो फिर स्कॉर्पियो N के साथ जाएंगे, तो क्या आपका फीडबैक है कमेंट में जरूर से बताइएगा. सो मिलते हैं इससे भी ज्यादा एक एक्साइटिंग वीडियो में. टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय.